दोस्तों आपके पास ऐसा मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, 5,000, 2,000, 10,000 तक का डेबिट हुआ या फिर क्रेडिट हुआ, ऐसा मैसेज आया होगा। और आप जब अकाउंट को चेक करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है या तो फिर कोई भी पैसा नहीं कट हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के इस डिजिटल इंडिया में बहुत सारे लोग फोन पे, गूगल पे, एपीएस या फिर अदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसके द्वारा आपको प्रेजेंट करने के लिए आपको डुप्लीकेट यानी कि फेक एसएमएस किया जाता है। वो कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं स्पेस मनी चलाता हूँ या फिर बहुत सारे बंदा है जो बिजनेस चलाते हैं या फिर और भी पेन ईयर बाइक यानी कि किसी भी तरीके का एपीएस चलाते हैं, वहाँ पे विदड्रॉ करता है। विदड्रॉ करने टाइम मोबाइल नंबर वो गलती से डाल देते हैं आपका, या फिर मोबाइल नंबर डालने टाइम वो कुछ भी नहीं देखता कि ये मोबाइल नंबर किसका है। ऐसे में वो एक मोबाइल नंबर इंटर कर देता है, हो सकता है कि वो मोबाइल नंबर आपका है। उस मोबाइल नंबर के डालने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद पैसे विदड्रॉ जैसे ही करता है तो आपके मोबाइल पे जो है पैसे निकासी करने का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो पैसा आपका निकासी नहीं होता है या फिर आपका डिपॉजिट नहीं होता है। जो एपीएस के द्वारा पैसा डिपॉजिट या विदड्रॉ करता है उन्हीं का पैसा निकासी या डिपॉजिट होता है। बस बाय मिस्टेक आपका मोबाइल नंबर डालने के कारण आपके पास सारा मैसेज आता है और आप समझ रहे हैं कि मेरा पैसा निकासी हो चुका है या फिर डिपॉजिट हुआ है या फिर मेरे पास पैसे आया है। तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट चेक करने के बाद आप जैसे ही देखते हैं कि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इस समय में आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा होता ही है। आजकल डिजिटल इंडिया बन चुका है तो डिजिटल इंडिया का बहुत सारे लोग लुप्त उठा रहा है, फायदा उठा रहा है और आप लोगों को या फिर हम लोगों को या फिर बहुत सारे लोगों को परेशानी करता है और देश में बहुत ज्यादा फ्रॉड बन रहा है। दोस्तों वो आपका फेक मैसेज है या फिर आपका डुप्लीकेट मैसेज है या फिर ओरिजिनल मैसेज है, आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, आपका जो मैसेज आया है वो आपको चेक करना होगा। वहाँ पे आपका रहेगा कि क्रेडिट इन योर अकाउंट और अकाउंट का लास्ट चार्टो या पास्टो आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उस अकाउंट का आपको अपने बैंक अकाउंट से मिला लेना होगा। अगर वो अकाउंट नंबर आपके बैंक खाते से मिलता जुलता रहता है तो आप जाके बैंक में जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका फेक मैसेज है, वो चेक करके कोई फायदा नहीं है। आपको बैंक ब्रांच जाने का या एपीएस में जाने का कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये फेक मैसेज से बचने के लिए कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। जो एपीएस चलाते हैं, जो फोन पे गूगल पे चलाते हैं, वो डुप्लीकेट यानी कि अनजान भूलभाल गलत नंबर डाल के आदत पड़ चुका है, परेशान करना आदत बन चुका है लोगों का, वो नंबर डालेगा ही। आपको बस उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके मोबाइल पे जो मैसेज आया है वो मैसेज को अपने बैंक खाते से इंक्वायरी कर लेना, चेक कर लेना है, मिला लेना है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।